सिरसा के गांव नाईवाला के खेत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आज दूसरे दिन भी नागरिक अस्पताल में हंगामा। आपको बता दें कि गांव नाईवाला के खेत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से नागरिक अस्पताल में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। परिवार सहित अन्य ग्रामीण आज नागरिक अस्पताल में दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पाकर जेजे कॉलोनी पुलिस चौक मौके पर पहुंची। ग्रामीण इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मामले में गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव को नहीं लेंगे। मीडिया से बातचीत में परिजन विनोद ने बताया कि मृतक की अवैध संबंधों के चलते हत्या हुई है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक केवल मामला दर्ज किया है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम मानते हैं कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है। जब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हमारी इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। आरोपी महिला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, अवैध संबंधों वाली कोई बात नहीं है, माँ का बेटे से झगड़ा हुआ था। भाई है जी, बड़े बापे का लड़का है, ठीक है जी। तो बेने जी का परसों बेने वो थोड़ा मंदिर पे जी को बेने घेरों लेके जावे खेत के अंदर, तो खेत के अंदर लेके जावे, खेत के अंदर ले जाए, बाद में 5-7 मिनट के बाद के अंदर मेरी वाइफ भी जावे, हम राजू की मेरा भाई की, तो बड़े ले जाके जी बेंगे सागा हाथापाई करी है और बेने दारू पिला के बेने स्प्रे भी पियाई है जी, पूरी दबा के आधो लीटर स्प्रे पियाई है। डॉक्टर को कहना वो मतलब लो आया डॉक्टर के यहाँ पर जी। तो फिर पुलिस की कार्रवाई क्यों अटकी पड़ी है, जबकि तमाम सबूत आपने पुलिस को दिए हैं, क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? वो तो उनको पता जी क्यों नहीं हुई, मानते हो बात है जी। मामला इसे ये बात है कि वो कह रहे हैं कि जहर दे के हमने दोनों ने बीमार पीट के उसको मारा है, हमारे घर वाले को। ये बात नहीं है दीदी, हमने किसी मारपीट को कुछ और नहीं मारा। जब मैं खेत में आई थी तो वो खुद आपने स्प्रे पी थी और माँ बेटों का झगड़ा हुआ था, बात ये है। ये गलत जाम लगा रही है, इस पे केस हो हमारे दोनों पे और अंदर जाए। वैसे जुर्म कैसे केस हो जाए अंदर, ये बताओ। सच्चाई के साथ होता है, गुनाई का साथ नहीं होता। वजह ये है जी, क्योंकि इतने पहले साथ में रहते थे, इतने साल हो गए छोटे छोटे साथ में रहते थे, जब तो इसको अच्छा बुरा लगा नहीं, क्योंकि आज वो मेरे घरवाले मेरे सिर पे नहीं है तो वो बुरा हो गया। तो आप दोनों अलग अलग रह रहे थे? नहीं जी, साथ में ही थे तीनों ही। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ वाली ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रही हैं।